Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today we'll be talking about some misconceptions about celibacy, brahmacharya. One of the most important and prevalent misconception is the fact that people say celibacy happens when one somehow suppress the sexual energy. But we don't think the suppression of the sexual energy is the true celibacy. Now we will understand from the yogic science point of view what actually is the celibacy and different misconceptions about it, and let us understand the true nature of celibacy or brahmacharya. Sharmaji, brahmacharya ke baare mein logon mein bahut sari galat dharanaye hain. कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तभी फलित होता है जब आप किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में ना जाओ, किसी से संबंध ना बनाओ, ठीक है, और उसको किसी तरीके से उस ऊर्जा को अपने अंदर मतलब कि उसको किसी तरीके से रोको, ठीक है. और रोकने के बाद ये पाया गया है कि उस व्यक्ति में बहुत तरीके के परवर्जन्स आते हैं, ठीक है, और गलत विचार, गलत धारणाएं अंदर आ जाती हैं, ठीक है. वो हमेशा मानसिक रूप से उसी के बारे में सोचता रहता है. बाहर से तो उसने रोक लिया, चलो उसने शादी नहीं की, साधु बन गया, ठीक है, मगर उसके दिमाग में जो चलता रहता है, ठीक है. मैंने बहुत देखे हैं लोगों को और पूछा भी है, तो वो लोग मैं एक बार गया हुआ था पैरल बाबा के आश्रम में, तो एक साधु वहाँ बैठे हुए थे. हम लोग चारों तरफ एक आग जला के, ना ठंड का दिन था, हम लोग बैठे हुए थे, तो हमने वैसे पूछा उनसे कि बाबा जी जो आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ये है क्या एक्चुअली. तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ठीक बात बोली कि बाहर से रोक के, ठीक है, जो साधु बने हैं, ठीक है, जबरदस्ती घर से भाग के शादी नहीं हुई, साधु बन गए, ठीक है, कह रहे कि उनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है और मेरे दिमाग में यही चलता रहता था, ठीक है. आप लोग के दिमाग में नहीं चलता, आप लोग के दिमाग में तो काम है, धंधा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हमारे दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता था. अब जाके किसी तरीके से कुछ कम हुआ है, ठीक है. तो हम लोग इसी पे बात करना चाह रहे हैं कि जो सच्चा ब्रह्मचर्य है, ट्रू सेलिब्रेसी है, वो है क्या एक्चुअली. ब्रह्मचर्य जो यौगिक विज्ञान की तरफ से आध्यात्मिक लाइन में देखें तो ब्रह्मचर्य जो है वो उसकी जो परिभाषा दी गई है कि वो ये कहा गया है उसमें ब्रह्मचर्य में कि ब्रह्मचर्य उस चीज़ को कहा गया कि चीज़ सामने हो और उसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं. चीज़ आपके सामने है मगर वो चीज़ के प्रति आप जागरूक नहीं हैं, उसको आप ख्यालात उसके नहीं ला रहे हैं और उसको आपको उपयोग करने के लिए कभी भी आपकी मन और विचार और बुद्धि और नज़र में जितने आपके इंद्रियगत ज्ञान हैं इनमें कोई भी विचार सामने नहीं आ रहा है कि मैं इसका उपयोग करूं या दुरुपयोग करूं या जो कुछ करूं उसका, तो वो उसमें कभी विचार नहीं आ रहा है. तो पहली जो ब्रह्मचर्य की जहाँ तक अध्यात्म परिभाषा है वो, तो उस वक़्त ये चीज़ सामने आती है कि ये कोयले की खान में एक व्यक्ति है, कोयले में काला ना हो, कोयले की खान में व्यक्ति है, कोयले में काला ना हो, ये इसी तरीके का ब्रह्मचर्य है कि ब्रह्मचर्य आप वहीं जहाँ हैं जहाँ आपको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. इसका मतलब है कि आप आंतरिक दृष्टि से बिल्कुल ब्रह्मचर्य की पालन कर रहे हो, क्योंकि आपको जो चीज़ सामने है सब लोग उसका प्रयोग करें या देखें या जो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं. ये ब्रह्मचर्य की वहाँ पर आध्यात्मिक में ये परिभाषा तय की गई है कि ये परिभाषा इसकी है. ये सेक्सुअल के लिए भी हो सकती है, बोलना है, सुनना है, कोई भी इंद्रिय गतियाँ है, चलना है, कोई कार्य करना है, क्योंकि आपने कार्य सदुपयोग की कितने किए हैं, परहित कार्य कितने किए, ये सारे के सारे आपके जीवन में जितनी भी क्रियाकलाप आपके हैं वो सारे के सारे अगर आप आपकी जो शक्ति है, जो बुद्धि की शक्ति है, जो मन की शक्ति है, जो आपका आत्मबल है, आत्मबल के हिसाब से अगर आपने वो चीज़ें सही तरीके से अपने सही तरीके से करी, परहित में कहीं,
तो ये प्राकृतिक में कहीं न कहीं आपने जो परहित आज डाला है कार्य करके और विचार करके और मनन करके अपनी शक्ति से बुद्धि से दृष्टि से जो चीज़ें आपने डाली हैं ये प्राकृतिक में गई हैं, ये पुनः जब आपको वापस आएंगी आपके पास वापस आएंगी, क्योंकि प्राकृतिक में जो चीज़ डालते हैं हम लोग संकल्प डालते हैं तो वो फलीभूत होकर के वो पुनः आता है। देर भी लगती है, नहीं भी देर कई बार लगती है, तो जब पुनः आता है तो वो उसके साथ हमें ही ग्रहण करना पड़ता है। तो आदान प्रदान तो हमारे केंद्रों में भी चलता है, प्राकृतिक में भी चलता है, आदान प्रदान की तो क्रिया चली हुई है। तो आदान प्रदान से ये संसार पूरा परिवर्तनशील कहलाता है। तो इसमें आदान प्रदान जब होता है, जब हमने ग्रहण कर लिया कि हमारा संकल्प आ गया, तो वो बहुत अच्छी ऊर्जा में आता है, और जब अच्छी ऊर्जा में आता है तो हम पावरफुल हो जाते हैं। हम अपनी विचारधारा हमारी अपनी आध्यात्मिक में भी हम पावर हो सकते हैं। जैसे हमने कोई क्रिया करनी से प्राकृतिक किसी क्रिया करने लगे और ये क्रिया में हमने मूलाधार बंद बांधा और क्या नाम अपना अश्वक्रिया की और उद्यान बंद बांधा और जलंधर बंद आपने बांध दिया, तो आपने ये सारी क्रियाएं जैसे करी और आपने अपनी ऊर्जा को जैसे ही आपने श्वासों के जरिए या अपने चिंतन और मनन के जरिए आपने अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लाना शुरू किया, तो उसमें ये जो आपने संकल्प पहले डाला था ये आत्मबल के लिए बहुत सहायक होता है। ऊर्जा को ऊपर भेजने में ये चीज़ सहायक होती है, क्योंकि प्राकृतिक अब आपसे ये सहायक करके अब आपसे कुछ काम लेना चाहती है। तो प्राकृतिक का ही सारा सिस्टम है, तो प्राकृतिक में जैसा आप करोगे और जैसा आप डालोगे तो वैसा ही आपके सामने आएगा। तो ये सारे के सारे ब्रह्मचर्य के भाग हैं, अंग हैं ये ब्रह्मचर्य के, इनको आपको वन बाय वन सभी को धारण करना पड़ेगा। सभी में आपको ब्रह्मचर्य, खाली आप किसी जो जैसे आपने कहा कि पत्नी का अगर शादी नहीं करो तो दूसरे लोगों को देखोगे तब आपका चिंतन आएगा, ये ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य ये है कि आप उसी में बैठे और उसी में बैठ करके और आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, मगर आपसे जब कार्य कोई सामने आ गया ऐसा आ गया कि अब ये कार्य करना है, तो आपका आत्मबल इतना अंदर से पावरफुल होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आपके पास में तैरना आता है, बुद्धि में ज्ञान है, आँख भी है, हाथ पैर भी, आपके अंग भी पूरे हैं, तो आप तैर भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अब आपका आत्मबल जगेगा, भले ही उसमें अगर हजारों आदमी खड़े होंगे तो एक आदमी आपका आत्मबल जगेगा, वो आप सामने आओगे, लोग अपने व्यू तय करते हैं इसमें डूब ना जाए डूबे, मगर आप बिना परवाह किए उस पर जाओगे, तो उस वक़्त प्राकृतिक आपकी सहायक होगी। इसलिए सहायक होगी क्योंकि आपको प्राकृतिक ने से पहले ही ब्रह्मचर्य और उसका शक्ति को जो आपने ऊर्जा जो थी वो आपके पास में हासिल है, इसलिए आपका आत्मबल है। और आत्मबल बहुत बड़ी चीज़ होती है, आत्मबल के सामने कोई बल संसारिक भी कोई बल किसी तरीके का काम नहीं करता, सबसे बड़ा है आत्मबल। और आत्मबल ये अनेक जो अंग हैं ब्रह्मचर्य के ये सभी अंगों से मजबूत होता है आत्मबल। और अगर ये आत्मबल हमारा कमज़ोर हो जाए, जब ये नेगेटिव की तरफ हम विचारधारा रहे तो ये आत्मबल हमारा कमज़ोर होता है, तब हमारे कोई कार्य पूरे नहीं होते हैं, सब कार्य हमारे सांसारिक जितने कार्य हैं वो अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि आत्मबल सबसे सुप्रीमो है और सबसे आत्मबल ही सारी जगह काम करता है। इसके लिए ब्रह्मचर्य की जरूरत पड़ती है आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए, और इस आत्मबल के जरिए हम जो है कोई विशेष काम कर करके हम प्राकृतिक में कर लेते हैं, चाहे कोई किसी के नियंत्रण की बात हो और चाहे कोई कार्य की बात हो, दोनों काम हम कर सकते हैं। कार्य करना आया तो हम कर लेंगे, अगर हमको कोई नियंत्रण ले बोला है कि ये तुम यहाँ पे पूरा नियंत्रण करो, ये तुम्हारा तय करो कि ये देश संभालो या पूरा राज्य संभालो या जो कुछ तय करो, या यहाँ नहीं तय करते हैं, आत्मबल आपका बने रहेगा, तो आपको प्राकृतिक में भी आपका ये ब्रह्मचर्य काम आएगा। इस तरीके का वो वाला ब्रह्मचर्य काम नहीं आएगा कि जिस वाले ब्रह्मचर्य की आपने भी परिभाषा बताई कि वो शादी का चिंतन हमेशा दिमाग में, तो वो ब्रह्मचर्य नहीं। अगर इस तरीके का आत्म वाला ब्रह्मचर्य रहेगा तो व्यक्ति जो है वो प्राणी और वो आत्मा
और वो आत्मबल के जरिए वो जाकर के अगर कह देगा कि हम शरीर धारण करते हम स्वर्ग में चले गए, तब भी वो आकाश गंगाओं में जाकर के, आकाश गंगाओं में जितने ग्रह चल रहे हो वहां जाके नियंत्रण करेगा। उसमें नियंत्रण करने का बल होता है, नियंत्रण इतना नहीं होता, नियंत्रण इस तरीके से बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है कि आपने कोई चीज को नियंत्रण करने लगे। ये बात हम बहुत पहले ही बता चुके थे अपने यौगिक विज्ञान में कि हम लोग अंडे में रहते हैं और अंडों में चलते खाते पीते उठते बैठते सब अंडे ही हैं, और हम अंडों को मारते भी हैं, अंडों को हम पालन भी करते हैं, उन्हें हम सुरक्षित भी रखते हैं। तो ये जो अंडों की बात है, इन अंडों की ही बात जो आत्मबल पे आती है कि जहाँ पर जितने ज़्यादा मजबूती तरीके से घनत्व होता है उन अंडों का, हमारे आत्मबल में घनत्व हो जाता है उन अंडों का, तो इसलिए हमारा आत्म में बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है। घनत्व जितना ज़्यादा होगा मजबूती उतनी ज़्यादा होगी, परमात्मा की शक्ति उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी परमात्मा की शक्ति होगी तो उतना ही आप किसी पे भारी पड़ेंगे। हमने एक उदाहरण दिया था कि अगर हम घनत्व की बात करें तो अगर तरल एक पदार्थ है, जल है, तो जल में अगर जमा हम घनत्व कर लें तो जल बहुत करेगा, जम जाएगा तो हम अपने हार्डनेस देखें, भाई ये तो जम गया, अब हम इसको लोहे को आराम से तोड़ सकते हैं, ये हमने अगर तय कर लिया तो हमारी नासमझी होगी। लोहे में ज़्यादा घनत्व है, ऐसे ही आत्मा में ज़्यादा घनत्व जब हो जाता है तब वो नियंत्रण करने के लिए इस ब्रह्मांड में तय हो जाता है। घनत्व की सारी बात है, सारी शक्ति की बात है। शक्ति सुप्रीमो किसमें, किसने कहाँ पे ज़्यादा एकत्रित करी, इसे ब्रह्मचर्य कहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य किसी महिला के या किसी चीज को आपने कंट्रोल कर लिया है उसको ब्रह्मचर्य के, ब्रह्मचर्य के अनेक अंग हैं, सभी अंगों का पालन करो और सभी में आप एनर्जी जो है अपनी केंद्रित करो। केंद्र हम हैं, हम में अगर हम अपने केंद्र में एनर्जी को केंद्रित नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, घनत्व जो नहीं बनाएंगे, और हमारे अंदर केंद्र हमारी आत्मा है, तो आत्मा जो अंडाकार है वो है केंद्र, तो उसको आप मजबूती दो, उसे आप मजबूत करो। ये ऐसे ब्रह्मचर्य जो अनेक ब्रह्मचर्य के अंग हैं, इन अंगों से जब ब्रह्मचर्य को आप पालन करेंगे और ये करेंगे तो हम, मेरा जो ये विज्ञान का और मॉडल साइंस का शायद दोनों का यही अनुभव होगा कि वो व्यक्ति, इस टाइप का व्यक्ति वो आत्मबली होगा, और यहाँ एक अच्छा काम करते हुए और अच्छी एक नियंत्रण करते हुए वो जा करके ब्रह्मांड में जा करके सौर मंडल में भी अच्छा नियंत्रण करेगा। तो इस टाइप का जो है ब्रह्मचर्य की हमने इस बारे में बताया कि ये ब्रह्मचर्य इस तरीके से होते हैं, किसी एक चीज़ की ब्रह्मचर्य के लिए नहीं कहा जा सकता है कि आप एक ही पार्टिकुलर चीज़ के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करके और आप उसी के बारे में फिर बाद में सोचते रहो मैं ब्रह्मचर्य हूँ, ये ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य किस बात का, अगर आपने एनर्जी इस टाइप की रख भी ली तो ये एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी, ये आपके किसी काम में नहीं। इस एनर्जी को आपने प्राकृतिक में परहित में लगाना है, ये ब्रह्मचर्य है, और ये बल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, ये ब्रह्मचर्य का जो है ये उसका प्रमाण है, प्रमाण है ब्रह्मचर्य का कि अगर आप ब्रह्मचर्य हैं तो आपके अंदर आत्मबल है, और आत्मबल है तो आपके प्रत्यक्ष जो काम आया है आप इसे कर डालोगे, ये कर डालोगे, तो इसे ब्रह्मचर्य कहा जा सकता है, वो उस तरीके का ब्रह्मचर्य नहीं। Okay, so the true nature of brahmacharya or celibacy is the centering of our own consciousness or centering of the soul, or this is called in other words in Hindi atmabal. Atmabal is the true nature of celibacy or brahmacharya. Brahmacharya is not the suppression of energy, it is not stopping of that natural energy and later on thinking about it constantly. This is not brahmacharya. Brahmacharya happens when we preserve energy from all possible avenues. For example, we are dissipating our energy, okay, through watching, through touching, through smelling, okay, from all the five openings of our Gyanendriyas, okay. So from these openings we are dissipating our energy. So if somehow we control the passage of energy from these openings, we can preserve this energy, and then making use of this preserved energy for the selfless service. Yeah.
परहित के जो कार्य हैं फॉर द सेल्फलेस सर्विस ओके एंड वंस यू आर इन्वॉल्व्ड इन द सेल्फलेस सर्विस देन द एनर्जी इन मल्टीप्लाइड फॉर्म कम्स बैक टू अस एंड इट बिकम्स आर आत्मबल इट बिकम्स आर स्ट्रेंथ ऑफ द सोल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल्फ एंड दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मचर्य लेटर ऑन in the other episodes we will talk about brahmacharya or celibacy in more details and with new perspective thank you